जी, सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू. द फर्स्ट सेट ऑफ नोट्स आर बीइंग अपलोडेड ऑन एलएमएस एज वेल एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. अ सिंगल नोट ऑन अ पेज इज बीइंग शेयर्ड विद यू नाउ. आप इसको व्यू कर सकते हैं सभी लोग. यस या नो में आंसर देते हैं मुझे. आपके पास स्क्रीन आ गई? यस सर आ गई है. ओके जी. यस सर. दिस इज द सेम. यस सर आ गई है. दिस इज द सेम एज द व्हाइट बोर्ड. तो मैं क्या करूंगा, मैं ये पूरे का पूरा आपके सामने प्रेजेंट करूंगा टॉपिक जो कि इस नोट इस नोट सेट ऑफ नोट के इस पेज पे लिखा हुआ है. इसके साथ लिंक्ड स्लाइड, ऑफ कोर्स स्लाइड्स आपके पास कॉम्पैक्ट फॉर्म में होती हैं. स्लाइड्स में इन डेप्थ डिटेल नहीं होती, वो डिटेल टीचर या बोर्ड पे लिखता है या आपको इन लेक्चर एक्सप्लेन करता है. तो स्लाइड्स भी साथ साथ चलेंगी, साथ साथ हमारे नोट चलेंगे और साथ साथ हमारी क्वेश्चनिंग आंसरिंग चलेगी और इस तरह हम पूरे टॉपिक को ग्रिप कर लेंगे. यस, द टॉपिक इज साइंड बाइनरी नंबर. अभी तक आपने जो कुछ पढ़ा है, आप कन्वर्जन करते आए हैं, आपने डेसिमल को कन्वर्ट किया बाइनरी में, आपने डेसिमल को कन्वर्ट किया ऑक्टल में, आपने डेसिमल को कन्वर्ट किया हेक्सा में, आपने इसका वाइस वर्सा भी किया. वाइस वर्सा मींस कि आप हेक्सा से डेसिमल में भी आए, ऑक्टल से डेसिमल में भी आए और बाइनरी से डेसिमल में भी आए, और इवेंचुअली जब ये सब तीनों आपने नंबर सिस्टम पढ़ लिए तो आप फिर बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्सा, हेक्सा से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी करना भी आपने सीख लिया. ये सब आपको आता है. लेकिन ये सब करते हुए आप सिर्फ डेसिमल इंटीजर नंबर ले रहे थे, नंबर वन. नंबर टू, आप डेसिमल ऑलवेज पॉजिटिव ले रहे थे, कभी भी मैंने आपको नेगेटिव नंबर का नहीं कहा. मैंने आपको जो बाइनरी कन्वर्ट करवाई है, लेट्स सपोज जरा उसकी तरफ आते हैं, तो मैं कहता हूँ ये नाइन की बाइनरी कर दें, नाइन ऑलवेज पॉजिटिव था. मैंने कहा 141 की बाइनरी कर दें, वो भी ऑलवेज पॉजिटिव था. मैंने कभी ये आपको कहा माइनस नाइन की बाइनरी कर दें और ना ही आपने ये क्वेश्चन रेज किया. क्यों? क्योंकि आपको इस चीज का आइडिया था कि सर आने वाले टॉपिक में ये जरूर पढ़ाएंगे और ऑफ कोर्स मुझे ये पढ़ाना था. इट मींस कि नाउ आई वांटेड टू नो कि हाउ कैन आई कन्वर्ट एनी नेगेटिव डेसिमल नंबर इनटू द बाइनरी. दिस इज अ टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेस सेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज साइंड बाइनरी नंबर. साइंड मींस जिसमें नेगेटिव साइन होगा, जिस डेसिमल में नेगेटिव साइन होगा उसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे दैट विल बी साइंड बाइनरी नंबर. और पहले जो पढ़ते आए हैं कि जिसमें डेसिमल में पॉजिटिव साइन ही होता है, नेगेटिव नहीं होता या कोई साइन नहीं होता तो भी उसको हम पॉजिटिव साइन ही बोलते हैं. ऐसा नंबर जिसमें कोई साइन नहीं है जो कि पहले पढ़ के आए हैं उसको बोलते हैं अनसाइंड नंबर. तो जब उसको बाइनरी में लेके जाते हैं तो उसको बोलते हैं अनसाइंड बाइनरी कन्वर्जन. सो अभी तक जो कुछ हम पढ़ गए हैं दैट इज कॉल्ड एज अनसाइंड कन्वर्जन. अनसाइंड मींस कि वी वर नो वरी, वी वर नो कंसर्न, वी आर नॉट शोइंग एनी कंसर्न, वी वर नॉट शोइंग एनी कंसर्न रिगार्डिंग द साइन पर्टिकुलरली ऑफ द नंबर. लाइक मैं कहता था 141 फॉर श्योर था आप लोगों के लिए दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है कि सर ने तो अभी तक नेगेटिव नंबर वाला करवाया नहीं. सो इफ कम्स विद नेगेटिव साइन व्हाट वी विल डू, वी विल यूज दिस टॉपिक टू कन्वर्ट दैट नंबर इनटू द बाइनरी एंड दिस इज कॉल्ड एज द साइंड बाइनरी कन्वर्जन. सो इन फ्रंट ऑफ यू नाउ देयर आर टू कैटेगरीज. वन इज अनसाइंड बाइनरी कन्वर्जन जिसमें ऑलवेज आपका नंबर क्या होगा, विदाउट साइन होगा. ऑफ कोर्स विदाउट साइन कौन सा नंबर होता है, ऑलवेज पॉजिटिव. और उसकी कन्वर्जन हमें करनी आती है. अगर डेसिमल विदाउट साइन है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है और उसकी कन्वर्जन हमने भी की थी. अब अगर आपको डेसिमल दे दिया जाए साइन के साथ जिसमें या पॉजिटिव साइन लिखा हो, ऑफ कोर्स पॉजिटिव साइन में तो वही हालात रहेंगे जो हम पढ़ के आए हैं. अगर नेगेटिव साइन लिख दिया जाए तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, दिस इज द टॉपिक व्हिच विल डिस्कस कि हाउ टू कन्वर्ट एनी नेगेटिव डेसिमल into the binary called as the signed binary conversion. Signed ka word ke uske saath negative signed hai, unsigned ka word ke wo plus hai, positive hai. Ji question abhi tak kisi ka koi hai to main usko clear kar dunga. Raise your hand if you have any. Sir ye dobara bata dein please, how to present this negative sign. Abhi main isme aaya hi nahi hu yaar, अभी तो मैं इस लेक्चर पे आया. आपको सिर्फ टॉपिक नहीं, आपने एक्सप्लेन किया मेरी बोली हुई बातों से. अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर. इट मींस आई कैन प्रोसीड विद द लेक्चर नाउ.
So, right, G. Yes, sir. In general, for presenting any negative number, we use negative sign before the number in decimal. यही कर रहे हैं जी. मैं कहता हूँ जी plus nine लिखें. आप लिखते हैं खाली nine उसे. क्योंकि आपको पता है वो plus है. मैं कहता हूँ जी minus nine लिखें. आप nine के पीछे minus लगाते हैं. ये decimal में हम इस तरह proceed करते हैं. लेकिन अगर उसी number को मुझे present करना in binary, then what I have to do extra, I mean, that will be guided by this section, this topic. This is how to present this negative number sign in binary, of course. कि अगर मेरे पास एक number decimal में given है, लेकिन वो minus है, मैं उसको कैसे present करूँगा binary में? क्योंकि binary में तो 01001 आना है. Binary sign तो नहीं लेती. Binary में कभी आपने देखा -0101? No. वो always 0101 होता है, क्योंकि hardware ना plus read कर सकता, ना minus read कर सकता. That can read only bits. That can read only 0101. So how to write any negative number class in binary? Of course, any negative decimal number. Na bhi bolun to pata hai na, convert kar rahe hain usko binary mein. So that computer can understand ke aap negative number de rahe hain ya positive number de rahe hain. Aisa binary number ki conversion karte hue kya aap karenge jisse computer ko samajh aa jaye ke bhai jan aapne number positive diya ya aapne negative number diya. ठीक हो गया जी, चलें आगे. यस सर. जी सर. जी गर्ल्स, ओके गर्ल्स साइड, नो इज देयर एनी इशू? ओके सर. राइट जी, थैंक यू. सो टिल येट व्हाट एवर वी हैव डन, वी हैव लर्न अबाउट क्या था, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, बता चुका हूं मैं. उसमें सब आप क्या रहते थे, पॉजिटिव डेसिमल. व्हाट इफ we came across with minus 9, what we will do? We will go to this topic and perform the minus 9 conversion into the binary by using the signed binary conversion, because it's sign involved. Ho gaya. Right, ji. Next page is in front of you. Pehle main isko samjhaunga, phir ye jo likha hai, wo explain karunga. Dekho, maine kiya kya. Minus 9 jo aya tha, maine minus ke against ek MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड पे, लेफ्ट साइड पे एक बिट एक्स्ट्रा ऐड कर दी. बताता हूं क्यों. वो बताएगी कि आपका साइन क्या है. इट मींस कि मैंने वाजिद हुसैन साहब लिखते हैं कि सर मैं लाहौर से मुल्तान की तरफ नेट का इशू है, आ सकता है प्लीज यार अटेंडेंस के लिए आप यहाँ नहीं आए, आप इसको सीखें, अटेंडेंस खुद ही हो जाए. ओके वाजिद साहब, यस जी स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन ऑन द टॉपिक आई. मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये डिस्टिंग्विश करना है कि मेरा नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है. भाई नंबर को तो बाइनरी में मुझे कन्वर्ट करना आता है, मैं फौरन से कर लूंगा. ओके जी, डन. आपको पता है माइनस नंबर जो है वो कंप्यूटर में आप टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में या वंस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, उसको भी बाद में देखते हैं हमने करना या नहीं, उस पर भी बाद में जाते हैं. हम क्या करते हैं, आपके पास सबसे राइट साइड पे लो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, जिसकी वैल्यू वेट सबसे ज्यादा होता है, जिसकी पोजीशन 2^0 होती है, उसके बाद 2^1, 2, 3. आप एमएसबी पे एक बिट खुद ऐड कर देते हैं जो बताएगी आपका साइन क्या था. अगर तो आपका नंबर पॉजिटिव है तो उसकी बिट को हम कर देंगे 0. तो जब मैं बाइनरी में लिखूंगा नंबर तो सबसे एमएसबी को क्या कर दूंगा 0. उसको पता चल जाएगा भाईजन साइन नंबर है और नंबर क्या पॉजिटिव. वो एमएसबी वाली बिट से उसका साइन ले लेगा प्लस, और आगे पड़ी हुई सारी बिट्स को कन्वर्ट करके डेसिमल में कह देगा कि ये नंबर है. और अगर वो नंबर माइनस है तो मैं क्या करूंगा, उस एमएसबी वाली बिट को जो कि मैंने साइन के लिए रखी है, जो कि मेरे मेरा वेट नहीं बता रही डेसिमल का, जो कि वैल्यू नहीं बता रही, मैं दो चीजों को अलग अलग कर चुका हूँ, साइन को अलग कर चुका हूँ, वैल्यू को अलग कर चुका हूँ, नाइन को अलग देख रहा हूँ, माइनस को अलग देख रहा हूँ. माइनस के लिए मैंने एमएसबी पे एक बिट डाल दिया जिसका नाम है साइन बिट. अगर साइन बिट 1 है, इट मींस के साइन क्या आपका माइनस. अगर साइन बिट 0 है, इट मींस के आपका साइन क्या है प्लस, और आगे पड़ी हुई सारी बिट्स क्या बता रही है उसकी वैल्यू. राइट जी, अब मैं आपके क्वेश्चन देख लेता हूँ जो आपने चैट में किए हैं. बाकी लोग अपना माइक बंद, यार ये तो फजूल क्वेश्चन था, पता ही है सबको. अच्छा जी, अब मैंने क्या किया देखें जरा, माइनस को मैंने सेपरेट करके क्या लिख दिया, ये एरो चेक कीजिएगा.
इसके साथ मैंने एक, आपको पता है नाइन को प्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए, चार बिट्स, और नाइन होता कि आपके पास 1001, ये मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे जीरो आना चाहिए, ठीक है, ये 1001 है, ओके, इसको इग्नोर कीजिएगा या इसको 11 कर लें, एक ही बात है, बेसिकली समझ ये रहे हैं कि साइन कैसे आएगा। चार बिट्स क्या आ गई, नाइन का वेट आ गया, नाइन की जो भी बाइनरी थी, जो MSB पे फिफ्थ बिट मैंने लगाई है, खुद ऐड की है, वो किसके लिए ऐड की है, फॉर मेकिंग इट साइंड। इसकी वैल्यू मैंने क्या रखी है, वन, अगर मैं इसकी वैल्यू वन रखूंगा इट मींस कि मेरे पास जो नंबर आगे पड़ा है चार बिट्स में वो क्या है, नेगेटिव। अगर इसकी वैल्यू जीरो होगी इसका मतलब जो आगे नंबर पड़ा है वो क्या आपके पास, पॉजिटिव। इतना समझ आ गया सबको? समझ आ गया यहाँ तक सबको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यस सर, बिल्कुल, यस सर, आगे प्रोसीड करें, बिल्कुल, जी सर, ओके जी। इट मींस कि अगर कोई नंबर है तो उसकी बाइनरी डायरेक्ट मैं लिख दूंगा, एक बिट एमएसबी पे अपनी तरफ से ऐड कर दूंगा अगर माइनस लिखा हुआ है, हो जाएगा सबसे, यस सर, रिपीट कर देता हूँ जी, शफाकत साहब मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए जी, इन सिंपल वर्ड्स, अगर नंबर माइनस के साथ आ यार चला जाओ, जी क्लास प्लीज म्यूट योरसेल्फ्स, जी माइनस नाइन का मतलब क्या है कि दो चीजें आपके पास आ गई, एक साइन आ गया, एक नंबर की बाइनरी आपने लिख ली, माइनस की जगह एक बिट अपनी ऐड कर देंगे और उस बिट का नाम होगा साइन बिट, वो एमएसबी पे आपको ऐड करेंगे जो कि शो कर रही होगी कि आपके पास जो आपका नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसकी वैल्यू को आपने क्या कर दिया, वन। जब इसकी वैल्यू वन हो गई तो ये वन बता रहा है कि आपका साइन क्या, माइनस, और आगे पड़े हुए चार बिट्स बता रही है कि ये उस डेसिमल नंबर की बाइनरी है। ये सब मैंने अभी तक बताया, इसके आगे मैंने कुछ नहीं बताया। सो अगर मैं इसको दोबारा डेसिमल में लेके जाना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, अगर 11011 है और मैं ये कहता हूं कि ये सारे का सारा जैसे ये लिखा मैंने, इफ वी कॉल 11011 इज अ साइंड बाइनरी नंबर, अगर मैं साइंड बाइनरी नंबर कहूंगा तो स्टूडेंट सबको पता चल जाएगा कि एमएसबी वाली बिट जो है वो आपके पास वैल्यू में नहीं आ रही, वो सिर्फ साइन बता रही है, क्योंकि अगर आप वो वैल्यू में ले जाएंगे तो कन्वर्जन करते हुए नंबर ज्यादा हो जाएगा। आपको पता है जब आप कन्वर्ट करते हैं तो जितनी बिट ज्यादा होती है उतना उतना आपके पास डेसिमल नंबर ज्यादा बनता है। सो अगर मैं लिखता हूँ कि ये साइंड बाइनरी नंबर्स हैं, इसका मतलब कि एमएसबी वाली बिट क्या बता रही है, आपको साइन बता रही है। तो यहाँ पे वन लिखा हुआ था तो इसने आपको बता दिया कि आपके पास वैल्यू क्या है, माइनस, आगे पड़ा हुआ 100, ये वन नहीं है, ये जीरो है, क्लास प्लीज, 1001 क्या बता रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है, नाइन, तो ये क्या बन गया, माइनस नाइन। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको कहता हूं कि ये नंबर आपके पास है 01001, चूंकि मैंने पहली वाली, और ये मैंने बोला कि साइंड नंबर है, साइंड नंबर में आपके पास एमएसबी अगर जीरो आ जाए तो आपका नंबर क्या होता है, पॉजिटिव। फिर आप उसकी जगह क्या लिखेंगे, प्लस, और आगे वाले सारे जो आपके पास बिट्स होंगे उनको आप कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल के अंदर, जो वैल्यू होगी वो आप लिखेंगे, तो आपके पास वो नंबर किसमें आ जाएगा, प्लस में। तो इस तरह अगर आपको साइंड नंबर मिलता बाइनरी तो उसमें आपने एमएसबी बिट को स्कोर करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने माइनस और प्लस को एंटर करना है। एनी क्वेश्चन टू एनीवन, प्लीज रेज योर क्वेश्चन नाउ। नो सर। जी गर्ल्स, कोई क्वेश्चन? नो सर। आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। जी सर। यस सर। ओके जी, राइट। लेट्स सपोज अब मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूं। करना बंद करता हूं और एक स्क्रीन और शेयर करता हूं जो कि स्लाइड्स हैं आपकी। इसमें मैं एक न्यू स्लाइड बना रहा हूं रफ वर्क के लिए। लेट्स सपोज मैं एक नंबर लिखता हूं 11001। ये नंबर इज अ साइंड
binary number. Student, I want it to convert into decimal. How can you? सुनिएगा मुझे गौर से. मैं जरा मैसेज देखूं. सर आप व्हाइटबोर्ड इस्तेमाल कर लें. जी व्हाइटबोर्ड शेयर के ऑप्शन में है. मुझे आवाज नहीं आ रही बेटा. जी मुझे सब सुनिएगा. आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इंटू डेसिमल. मैं चेक करना चाहता हूं कि ये नंबर क्या है भाई. ओके तो भाई जब मैंने लिख दिया कि इट्स अ साइंड नंबर, इसका मतलब कि ये जो एमएसबी वाली बिट है ये वैल्यू में काउंट नहीं हो रही. इसको आपने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना, ये एग्जेम्प्टेड है. ये आपको साइन बता रही है. तो इस वन को आपने यहां लिख दिया माइनस, क्योंकि वन अगर है तो ये नंबर क्या होगा? माइनस. आगे पड़ी हुई चार बिट्स बता रही हैं कि आपकी डेसिमल बाइनरी से डेसिमल में वैल्यू एक्चुअल में है क्या. आपकी वैल्यू आगे वाली बिट्स बता रही है स्टूडेंट्स. ओके आगे वाली बिट्स क्या है? 1001. 1001 का डेसिमल क्या होता है आप सबको पता है? 9. तो मैं लिख दूंगा दिस इज 9. ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल 01001 मैं लिखता हूं तो ये क्या बनेगा? ये इट्स अ साइंड नंबर. मैं बताऊं या ना बताऊं अब आपको पता होना चाहिए ये साइंड बाइनरी नंबर है. इसका प्लस 9 आंसर क्या आएगा बच्चों? जल्दी से बताएं मुझे सर. ओनली 9 प्लस 9 प्लस 9. वेरी गुड. नॉट ओनली 9 बिकॉज़ आई एम यूजिंग द साइन. द साइन विल साइन बिट विल अपेंड प्लस साइन. राइट जी. ओके ब्रदर्स चले आगे. यस सर. यस सर. यस सर. गर्ल्स आपको आवाज आ रही है? जी सर आ रही है. तो जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ समझ आ रही है तो आपकी आवाज मुझे क्यों नहीं आ रही? जी सर आ रही है. सर समझ आ रही है. बड़ी मेहरबानी दादी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया दादा. 15 मिनट मेरी वेस्ट कर रहे हैं. समझ आ रही है नहीं समझ आ रही? बंदा ठीक कर दे तुम लोगों को. अच्छा भाई चले आगे. अच्छा जी स्टूडेंट सुनिएगा, अब मैं एक नंबर दोबारा लिख रहा हूं 11001. इट्स अनसाइंड नंबर. इट इज अनसाइंड नंबर, नॉट साइंड. अनसाइंड वो सारे नंबर है जो पहले पढ़े हैं, जिनमें साइन बिट कोई नहीं होती, जिनका साइन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जिनमें जितनी बिट्स लिखी हैं वो सारी की सारी क्या होती है? वैल्यू. वो सारी की सारी कन्वर्ट होती है डेसिमल के अंदर. अब अगर मैं पूछता हूँ इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो इसका आंसर क्या आएगा? 25. क्या आएगा? 25. कैसे कहा? 25. यस सर. मैं बताता हूँ आप सबको और ये मैं जरा चैट भी देख लूँ स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं. 25 बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. किसको मेरी आवाज नहीं आ रही भाई? ये कौन है? गौर फरमाएं जरा इस पे. स्क्रीन आ रही है सबके सामने? यस सर. ओके जी सर आ रही है. 25 किस तरह आया ये भी एक्सप्लेन करता हूं मैं भी. देखें जी ये क्या है, अगर मैं 25 को रिमूव करूं तो मैं लिखता हूं 1 (1)0. कन्वर्ट करना ना इसको हमने 0(1). यही नंबर है जी? यस सर. अच्छा जी मैं इसको लिखता हूँ, यहां से स्टार्ट करता हूँ. पोजीशन क्या है इसकी? 0. इसकी पोजीशन क्या है? 1. मैं रिपीट भी कर रहा हूँ जो हमने बाइनरी टू डेसिमल पढ़ा सबको आता है. 2. इसकी पोजीशन क्या है? 3. इसकी पोजीशन क्या है? 4. तो जो 1 है वो कौन कौन से हैं जो पोजीशन 4 और 3 और 0 पे हैं? बाकी सारे क्या हैं? 0. ऐसा ही है जी? यस सर. ये जरा मैं इसकी स्पेसेस कम करूं. अब सीक्वेंस ठीक हो गया जी? यस सर. ये जरा देखें अब मेरे ख्याल में सबको पले पड़ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं. यस सर जी. कन्वर्जन ही कर रहा हूं बेसिकली. सो गौर कीजिएगा ये क्या आ जाएगा? 2^4 × 1 आंसर क्या आ जाएगा? 16 प्लस 2^3 × 1 आंसर क्या आ जाएगा? 8 प्लस एंड पे 2^0 × 1 आंसर क्या आ जाएगा? 1. 16 प्लस 8 क्या हो गया? 24. 24 प्लस 1 आंसर क्या आ गया? 25.
बताने का पर्पस क्या था स्टूडेंट्स? इट्स अनसाइंड नंबर, इट मींस के जितनी बिट्स लिखी हैं उन सबको कन्वर्ट करना है, वो सारी की सारी क्या है वैल्यू, और साइन इसका प्लस है। अगर मैं इसको साइंड कह देता हूं इसी नंबर को, मैं यहां पे ये अनसाइंड यू एन हटा के इसको मैं कर देता हूं साइंड स्टूडेंट्स, तो ये 25 नहीं रहेगा, माइनस 9, क्योंकि क्या बता रही है माइनस, और आगे पड़ी हुई चार बिट्स क्या है वैल्यू। अब आ गया सबको समझ वैल्यू, साइंड नंबर क्या होता है, अनसाइंड नंबर क्या होता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल से, पढ़ गया सबके? यस सर, यस सर। तो एवरी सिंगल स्टूडेंट्स गर्ल्स, हां जी 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 सर, अच्छा जी जी, बड़ी मेहरबानी जी बोलने की। अच्छा जी, तो मैं दोबारा ये अब इस रफ वर्क को आउट करता हूँ, उसी हमारे नोट्स की तरफ जाता हूँ जो आप ही के नोट्स हैं। किधर गया वो? ये शेयर जी जनाब। सो अब इसको जरा समझते हैं तो जल्दी से ये समझ आ जाएगा। वी आर लेफ्ट विद 4 minutes and 30 seconds ऑफ दिस मीटिंग, दिस मीटिंग विल क्लोज आफ्टर 4 minutes। आई विल अनाउंस अनदर मीटिंग थ्रू ईमेल एंड यू हैव टू ज्वाइन। जी स्टूडेंट्स जल्दी से मुझे सुनिएगा भाई जन, ये सबको समझ आ गया कि माइनस साइन बिट में आ जाता है, मतलब कि साइन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक साइन बिट लगा देते हैं और ये हम सबको पता चल चुका है। और अगर मैं अनसाइंड कहता हूं तो उसमें साइन बिट कहीं नहीं आती, वो सारे का सारा वैल्यू होती है उसको कन्वर्ट करते हैं। आने वाले क्वेश्चन में ये भी कह सकता हूं कि एक ही नंबर दूं आपको और कहूं ये साइन नंबर है मुझे इसकी वैल्यू बताएं, और फिर कहूं ये यही बिट्स जो है ये अनसाइंड है इसकी वैल्यू बताएं। तो जब साइन कहूंगा तो एमएसबी वाली बिट को वैल्यू में काउंट नहीं करना, वो साइन बता रही है, बाकी बिट्स वैल्यू बताएंगी। ओके स्टूडेंट्स? यस सर। ओके जी, वेरी गुड। इसको बोलते हैं साइंड मैग्नीट्यूड कन्वर्जन। ये देखो मैंने लिखा हुआ साइंड मैग्नीट्यूड कन्वर्जन, क्योंकि आप साइंड वैल्यू को डेसिमल से बाइनरी में लेके आते हैं और बाइनरी से फिर डेसिमल में लेके जाते हैं। अच्छा जी, अगर आपको पता है कंप्यूटर आपके नेगेटिव नंबर को किससे सेव करता है, या वंस की फॉर्म में या टूज की फॉर्म में। ओके जी, एक नंबर मैंने लिख दिया आपके सामने 1000010001, ऐसे एक रैंडम नंबर है, लेकिन ये साइंड नंबर है। आपने क्या समझा साइंड नंबर से, कि इसकी जो एमएसबी वाली बिट जिसको इनसर्कल किया हुआ है ये वैल्यू में नहीं आ रही, ये क्या बता रही है माइनस। ओके स्टूडेंट्स? यस सर। और अगर यहाँ जीरो होता तो ये क्या बताती, पॉजिटिव नंबर, प्लस, पॉजिटिव, वेरी गुड। आगे वाली सारी बिट्स क्या बता रही है उसकी, उस नंबर की वैल्यू, वैल्यूज बता रही है। अगर मुझे कन्वर्ट करना है वंस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में इस नंबर को, तो मैं साइंड बिट को एग्जेम्प्ट करूंगा, उसको कन्वर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि साइंड बिट वंस पे, अगर आप वंस कॉम्प्लीमेंट साइंड बिट का ले लेंगे तो वो तो जीरो बन जाएगी, वो आपके अच्छे नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देगी और कंप्यूटर उसको मैनिपुलेट कर देगा उसी तरह ही। कंप्यूटर को तो बिट्स ने बताना है। इट मींस कि जब मुझे साइंड नंबर, साइंड बाइनरी बिट का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो साइंड बिट को एक्सक्लूड करके बाकी सब का कॉम्प्लीमेंट लेना है। आप जरा गौर कीजिएगा, मैंने साइंड नंबर ऊपर लिखा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना था, मैंने क्या किया साइंड बिट को सेपरेट कर दिया, उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, क्योंकि दैट इज गाइडिंग यू द साइन, उसका कॉम्प्लीमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक किसका है, वैल्यू का। वैल्यू कहां पड़ी है, उस बिट के बाकी सारे जो अलाउ, उस बिट के अलावा जो बाकी सारी बिट्स हैं, दैट इज द वैल्यू। आप उस सब का वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, उस सब के ऊपर आप वंस लिख देते हैं, जो वैल्यू है कि दैट इज वन कॉम्प्लीमेंट। गौर से देख लें, मैंने सबके ऊपर वंस लिख दिया, 1 - 1 0 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1
this is one's complement of your above given number signed. This is your question now. Students, please mute yourself. The student who is having question, unmute. Gee, students, any questions now? No, sir. Then no. Yeah, everything yeah. is no, okay. किसी और से बात ना करें. I am talking to you. This is the reason I am saying again and again. Ke please mute yourself. Otherwise, I will mute you all. And that is not myself.
that will be forced by your side. You know my teaching mechanism ke main hamesha aapko comfort deke chalta hu, lekin of course yaar agar aap kisi se baat karenge mujhe nahi sunenge to fir that will also disturb me. A session end ho raha hai, main session new create kar raha hu, please join me again. Allah Hafiz. Okay sir, Allah Hafiz.